अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम मेकिंग आलू के पराठे। ये थोड़ी डिफरेंट टाइप के मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। ये सिंपल है एंड ईजी टू मेक है। ये टेस्ट वाइज बहुत टेस्टी होते हैं और इसमें सबसे पहला बात है कि ये स्टफिंग का कोई झमेला नहीं है। मैं सब कुछ मिक्स करके बनाऊँगी। सबसे पहले मैंने पोटैटो को बॉईल कर लिया। देन मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून है, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून है, क्यूमन पाउडर 1 टीस्पून है और रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून है। कोरिएंडर लीव्स मैंने लिए थोड़ी सी और कस्तूरी मेथी मैंने लिया है थोड़ी सी। और आप देखो कि मेरा पोटैटो बॉईल हो चुकी है और मैं मैश कर रही हूँ इसको अच्छे से। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मसाले को फ्राई कर लेना है, जिसके लिए मैं ऑयल ले लेती हूँ। देन मैंने सारे मसाले एक साथ डाल दिए और इसे अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। ये मेरा फ्राई हो चुकी है मसाला। देन मुझे मैश पोटैटो में मुझे मसाले ऐड कर लेना है। मसाले में मैं 1 मिनट ही फ्राई की और सारे मसाले डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मेरा व्हीट फ्लावर है, मीन्स आटा है। इसमें आप मैदा भी यूज़ कर सकते हो बट मैं मैदा प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं आटा ही प्रेफर करती हूँ। नेक्स्ट मैं कलौंजी ऐड कर रही हूँ। मैंने 1 टीस्पून कलौंजी ऐड किया है खूबसूरती के लिए। देन मैं फ्लावर ले रही हूँ, ये मेरा 1/2 कप है और इसे अच्छे से मुझे मिक्स कर लेना है। देन मैं कोरिएंडर लीव्स अच्छे से ले रही हूँ, 2 to 3 टेबल स्पून मैंने कोरिएंडर लीव्स लिया है, ये भी खूबसूरती के लिए। आलू पराठा खूबसूरत लगेगा आपका देखने में। विदाउट वाटर मैंने इसे डो बना लिया है, इसमें पानी मैंने ऐड नहीं किया है और मैं अब इसकी रोटी बना रही हूँ। इसे आप अपने साइज़ के हिसाब से बना सकते हैं, छोटे बड़े, बट मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ छोटे। तो ये मेरा बन गया है। देन मैं तवा में डाल करके इसे बोथ साइड सेकूंगी और मैं असली घी यूज़ करूँगी, मीन्स घी यूज़ करूँगी। आप तेल भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं घी यूज़ कर रही हूँगी, जिससे टेस्ट और इन्हेंस होता है। और ये मेरा मैंने सेकंड साइड इसका कर लिया है, इसमें ऑयल ऐड कर लेती हूँ। इसे अच्छे से लो फ्लेम में आपको बनाना है और अच्छे से फ्राई करना है। इसमें स्टफिंग का कोई झमेला नहीं है, बहुत किसी से स्टफिंग नहीं हो पाता है, बहुत कोई नहीं बना पाता है, तो ये न्यूकमर के लिए है। बहुत टेस्टी होते हैं, आप बना के देखें और इजी टू मेक है, फटाफट बन जाएगा और टेस्ट में कुछ कमी नहीं है। टेस्ट बहुत अच्छा है आलू भर की पूरी की, आप पूरी बोल सकते हो, पराठा बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। एक बार ट्राई करना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।